हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान सरपंच के प्रदेश मंत्री बनने पर निम्बोल सरपंच अशोक सोलंकी का किया गया सम्मान। सरगरा समाज विकासशील सेवा समिति जैतारण के बैनर तले आज जैतारण के राजा बलि मंदिर प्रांगण में निम्बोल सरपंच अशोक सोलंकी को प्रदेश स्तर पर राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश मंत्री बनने के उपलक्ष्य में समिति पदाधिकारियों, संरक्षकों, प्रबुद्ध नागरिकों व युवाओं के द्वारा उनका सम्मान व बहुमान किया गया। समिति अध्यक्ष सुरेंद्र पवार ने इस मौके पर बताया कि ये समस्त सरगरा समाज हेतु अत्यंत हर्ष का विषय है और पवार ने समस्त समाज की ओर से अशोक सोलंकी को बधाई दी। जैतारण पट्टी के सरगरा समाज अध्यक्ष बद्रीलाल गहलोत ने भी समाज को संगठित होकर प्रत्येक क्षेत्र में समाज को आगे बढ़ने और शिक्षा के क्षेत्र में अधिकाधिक मेहनत करने की सीख दी। इस मौके पर निम्बोल सरपंच अशोक सोलंकी ने सम्मान देने हेतु समिति को धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में बद्रीलाल गहलोत, पारसमल पवार, सत्यनारायण कछवा, चेतन चौहान, राकेश पवार, ओम प्रकाश गहलोत, बुधराज गहलोत, जगदीश जी, वक्ता राम, सुरेंद्र पवार, जितेंद्र कछवा, विनोद कुमार, मुकेश राजादंड, श्रवण चौहान, देव पवार, सोनू सोलंकी, विजय राठौड़, बागचंद्र ओगड़िया, महेंद्र कछवा, मनीष चौहान, सूरज पवार, राजू राम लांबिया, आनंद राठौड़, राजू राम बिकरलाई, दिनेश राठौड़, हेमंत राठौड़, मान राठौड़, अध्यापक भीकाराम मुड़ावा व अन्य समाज बंधु उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन संगठन मंत्री मुकेश राजादंड ने किया। जागरूक टीवी की सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।